और ये कांग्रेस सरकार आएगी तो ये गरीबों का भला हो सकता है। उसमें जिन लोगों के लिए 10 रुपए की पट्टी बनाना बहुत मुश्किल होता था, तो आज इतने लाखों रुपए का फ्री का इलाज मिल रहा है। और गहलोत सरकार ने जितने काम करवाए हैं उसकी सब जगह प्रशंसा हो रही है। पायलट साहब आएंगे तो पायलट साहब को जीता देंगे, गहलोत साहब को जीता देंगे, जिसको पार्टी टिकट देगी उनको हम जिताएंगे। बड़ा संभाग स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है, क्या कहेंगे इसके बारे में? क्या अशोक गहलोत सरकार ने क्या मतलब नई स्मृति फूंकने के लिए कार्यकर्ताओं को आज यहाँ इकट्ठा किया है, या कांग्रेस की जो अंदरूनी खींचतान है कहीं ना कहीं उसको पाटने के लिए आज यहाँ पे? कांग्रेस के राजस्थान सरकार के लेवल पर तो कोई खींचतान है नहीं है। हम फतेहनगर से आए हैं, मावली विधानसभा क्षेत्र से, जहाँ हमारे पुष्कर लाल जी डांगी अभी वर्तमान में प्रधान है। हम सब जने एक साथ हैं, हमारे वहाँ कोई गुटबाजी नहीं है। और गहलोत सरकार ने जितने काम करवाए हैं उसकी सब जगह प्रशंसा हो रही है, और हम वापस मेहनत करके रिपीट में सरकार लाएंगे। और ये कांग्रेस सरकार आएगी तो ये गरीबों का भला हो सकता है, बाकी कोई संभव नहीं है। और मेडिकल के क्षेत्र में देख लो, किसी भी क्षेत्र में देख लो, सब राजस्थान सरकार बढ़िया कर रही है। हम इनको लाएंगे वापस, अच्छे वोटों से जिताएंगे, भारी मतों से विजय दिलाएंगे। अगर ऐसा नहीं है तो क्यों ऐसा होता है कि जब रंधावा साहब एक ट्वीट करते हैं कार्यकर्ताओं के लिए या सबको एक जुट होने के लिए आह्वान करते हैं तो कार्यकर्ता ही वापस ट्वीट करते हैं कि हमारी तरफ ध्यान नहीं रखा जा रहा है और अब आप बुला रहे हैं, तो इस तरह की चीज़ों पर क्या कहना है फिर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, जिस पार्टी में काम को महत्वता दी जाती है उसमें सब जगह सब जाने जाते हैं कि मैं आगे बढ़ूं, लेकिन अब सब आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जिसको टिकट मिलेगा वो चुनाव लड़ेंगे, जिसको पार्टी टिकट देगी उनको हम जिताएंगे। हम कांग्रेस के साथ में, कांग्रेस जिसको टिकट देगी उसके साथ में हम जिताएंगे, जिसको चिन्ह देंगे उसी के साथ में रहेंगे हम। अच्छा, तो गहलोत पायलट की जो ये बार बार सुर्खियां बनती है तो इसके बारे में आपका क्या कहना है, क्या ये उचित है इस तरह का? पायलट साहब आएंगे तो पायलट साहब को जिता देंगे, गहलोत साहब आएंगे तो गहलोत साहब को जिता देंगे, ऊपर से जो आदेश आएगा उसी को हम जिताएंगे। इसको कितना ठीक मानते हैं आप? बार बार इस तरह की जो भाई पूरे 5 साल होने आ रहे हैं, बार बार इस तरह की बातें उठ रही है कि गहलोत साहब और पायलट साहब के बीच में जो है कहीं ना कहीं रार हो रही है, इसको लेकर के आम कार्यकर्ता क्या सोचता है वो पूछ रहे हैं। हम तो दोनों जनों को आपस में मिला के वो वापस एक करना, हमारे लिए दोनों सम्मानित है, दोनों समान है, कोई भी हमारे लिए ऐसा नहीं। जो ऊपर से जो टिकट देगा उसके साथ में हम रहेंगे। क्या नाम है सर आपका? थावरचंद बापू। और आपका क्या नाम? मेरा धर्मेश चपलोत, फतेहनगर मंडल अध्यक्ष। अच्छा, आपका क्या नाम है सर? सर मेरा नाम गोपाल लाल बेल है, मैं फतेहनगर नगर पालिका में मनोनीत पार्षद हूँ। तो क्या सोच रहे हैं अभी का जो ये कार्यकाल रहा, कैसा आप इसको देखते हैं? क्योंकि मेवाड़ में, और ये हमेशा कहा जाता है राजस्थान की ही अगर कह दे तो पूरी परिपाटी ये है कि हर बार सरकार जो है पलटती आ रही है, हर बार 5 साल के बाद सरकार पलट जाती है। इस बार क्या आपको लगता है कि गहलोत साहब ने जो बजट में घोषणाएं की है, जो ये जिले नए बनाने की जो ये सारी कवायद हुई है, इसके चलते सरकार वापस आएगी? इस बार कोई शक वाली बात नहीं, गहलोत सरकार वापस रिपीट होने वाली है और बहुत भारी बहुमत के साथ रिपीट होने वाली है। और गहलोत सरकार ने जो रूरल में, जो गांव में जो सुविधा दी है गरीब परिवारों को दी है, चाहे सिटी लेवल में दे दो, महानरेगा में दे दो, हर तरीके से गरीब से लेके अमीर तक सब तक कोशिश करी हर चीज़ को अच्छी करने की, और 99% जो सक्सेस भी हो गए। और इसमें कोई शक वाली बात नहीं कि इस बार गहलोत सरकार रिपीट होगी, वो भी बहुमत के साथ रिपीट होगी। आप क्योंकि जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, बिल्कुल निचली ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं, तो पब्लिक का कैसा रिस्पांस रहता है जब सारी चीज़ें, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं डॉक्टरों का विरोध हो रहा है, उससे पहले कुछ और है, कभी स्टूडेंट्स का विरोध है, ये चीज़ें आपको कितनी झेलनी पड़ जाती है? मैम देखिए, ये तो सरकार का और खासकर ओपोजिशन वाले का जो है, जब चुनाव नजदीक आ रहे हैं, अपनी अपनी बात और अपनी इच्छा रख रहे हैं। लेकिन अगर गहलोत सरकार को देखी जाए तो मेडिकल से लेके हर चीज में, और जो गरीब परिवार है, आज जैसे चिरंजीवी योजना चल रही है उसमें जिन लोगों के लिए 10 रुपए की पर्ची बनाना बहुत मुश्किल होता था, तो आज इतने लाखों रुपए का फ्री का इलाज मिल रहा है। तो डॉक्टरों की हड़ताल वाजिब है,
लेकिन एक वाजिब है, कैसे वाजिब है वो देखो, वो अपने हिसाब से उनका कहना है भी हमारी, जैसे गहलोत सरकार ने कहा अभी कोई मरीज अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में आ रहा है तो उसको पहले आप खर्चा ना बताए उसका ट्रीटमेंट करिए, लेकिन उनकी ये शायद मांग हो रही है कि नहीं हम पहले पैसे या जो भी कुछ हो रहा है उनका होता है, लेकिन ये जो चीज़ें हो रही है कहीं ना कहीं एक गरीब परिवारों में है जो बहुत गरीब परिवार लोग होते हैं उनको इलाज के लिए जो भटकना पड़ता था, तो गहलोत सरकार ये चाह रही कि जो प्राइवेट सेक्टर में जो इलाज मिल रहा था वो सॉरी जो सरकारी हॉस्पिटल में जो इलाज मिल रहा था वो प्राइवेट में उनको इलाज मिल जाए। तो नहीं, आप कह रहे हैं कि डॉक्टरों की ये मांग भी वाजिब है, डॉक्टरों की मांग वाजिब कैसे हुई? गहलोत साहब का ये जो बिल है वो जनता के हित में है, जनता के हित में, जनता के हित में, तो डॉक्टरों की मांग वाजिब कैसे हुई? मैं डॉक्टर उनकी उनकी तरफ से करेंगे नहीं, हमें जो है जैसे पढ़ा था जब एक डॉक्टर का ऐसा कहना है कि किसी मरीज की डेथ हो जाती है तो उनका बिल नहीं मिलता है, तो डॉक्टर लोग ये चाह रहे भी अगर किसी डेथ की हो जाती है तो उनका बिल मिले, लेकिन सरकारी क्लिनिक पर किसी की डेथ होती है उसका बिल हम पे करेंगे। ठीक है सर, कांग्रेस से कितने सालों से जुड़े हुए? कई वर्षों से। किस पद पे काम कर रहे हैं? कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता भी, ब्लॉक अध्यक्ष भी रहे, अच्छा ब्लॉक अध्यक्ष भी रहे, सदस्य भी रहे, सदस्य भी रहे। आज कांग्रेस को लेकर के जो ये पूरी इतनी कार्यकर्ताओं को यहाँ पे इकट्ठा किया, एक आम कार्यकर्ता, कांग्रेस का एक आम सिपाही क्या सोचता है? आम सिपाही सोच रहा है बहुत अच्छी सरकार, अच्छा काम कर रही है, बहुत ही वैलिड काम कर रही है आम जनता के लिए, बुजुर्ग के लिए, पेंशन के लिए और बहुत सारी गैस सिलेंडर महिलाओं के लिए भी अच्छे काम कर रही है। भारत सरकार ने सिर्फ सिलेंडर महंगे कर दिया, 1100 रुपये 50 रुपये वो राज्य सरकार ने 500 रुपये और प्लेस करके सब्सिडी दी हमारे को, तो बहुत ही अच्छा फायदा किया रोडों में, बहुत सारे रोड किए, बहुत सारे स्वास्थ्य विभाग में काम किए, अच्छे अच्छे काम किए। कई बार ये भी देखने में आया कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो ही विरोध में उतर जाते हैं कि हमारे ऊपर सुनी नहीं जा रही आला कमान में, क्या ऐसा है? वो व्यक्तिगत किसी का हो सकता है सर, सब कार्यकर्ता नहीं होता, ठीक है, व्यक्तिगत किसी का निर्णय होता है, मैं किसी आपसे निराश हो सकता हूँ, किसी और का हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, अभी जिस तरह का माहौल है कांग्रेस में अगर आप देखेंगे तो राहुल गांधी के ऊपर जिस तरीके से उनकी सांसदी खत्म हो गई है, एक आम कार्यकर्ता के नाते आप क्या सोचते हैं? बहुत ही गुस्सा है कार्यकर्ताओं में कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी व्यक्तिगत कोई नाम नहीं लिया था सर, ठीक है, बात तो भाषण में कोई भी बोल सकते हैं, ऐसा केस नहीं लेना चाहिए, तो बहुत गलत हुआ है राजीव गांधी के लिए, इसलिए सब हम क्या क्या अब आगे का क्या रहेगा और आगे रणनीति बन रही है, सब हमारे बड़े नेता बैठे हुए हैं, बहुत सारे रणनीति बना रहे हैं, धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, सब देख रहे हो आप अपने साथ साथ, आप पत्रिका भी देख रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है।